खंडवा शहर में खाने के शौकीनों के लिए खुशखबर। आर्यन के केटर्स लेकर आए हैं स्वादिष्ट और जायकेदार भोजन, जिसमें आप पाएंगे डिलक्स थाली मात्र 80 रुपए में, वीआईपी थाली 130 रुपए और महाराजा थाली 170 रुपए में। साथ ही मनपसंद सब्जियां, मिठाई और स्नैक्स भी। प्रतिदिन सुबह 9 से रात्रि 10 बजे तक फ्री होम डिलीवरी और वो भी हॉट बॉक्स में। साथ ही मासिक टिफिन सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा फोन नंबर है 9644960504। आर्यन के कैटर्स, शुभ परिसर, जसवाड़ी रोड, खंडवा। खंडवा में कोविड वैक्सीनेशन के महाअभियान की हुई शुरुआत। चुनाव में मतदान की तर्ज पर किया जा रहा है आयोजन। वार्ड और गांव में बनाए गए कोविड टीकाकरण केंद्र। शहरी क्षेत्र में 16 केंद्रों पर किया जाएगा टीकाकरण। ग्रामीण क्षेत्रों में 150 केंद्रों पर आज वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत हुई। खंडवा में बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन कराने के लिए निकले। वैक्सीनेशन केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें लगी। 18 वर्ष से अधिक के लोगों ने वैक्सीनेशन करवाने में रुचि दिखाई। 15,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य है। खंडवा के शहरी क्षेत्र में 50% से अधिक का हो चुका है टीकाकरण। ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी लोगों को जागरूक करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और डीएलओ को सौंपा गया कार्य। खंडवा के गौशाला केंद्र पर लंबी लंबी कतारें लगी। वैक्सीनेशन के समर्थन में धर्मगुरु भी आ गया है। खंडवा के शहर काजी सैयद निसार अली ने परदेसीपुरा उर्दू स्कूल वैक्सीनेशन सेंटर में टीका लगवाया और सभी से टीका लगवाने की अपील की। उन्होंने कहा, कोरोना से बचाव के लिए टीका लगवाना बहुत जरूरी है, इससे हम सुरक्षित रहते हैं। इसलिए सभी से अपील है, खासकर मुस्लिम समुदाय की, वह आगे आए और वैक्सीनेशन करवाएं। शहर काजी के अप्रैल के बाद परदेसीपुरा उर्दू स्कूल वैक्सीनेशन सेंटर पर मुस्लिम समुदाय की महिलाओं और पुरुषों ने टीका लगवाया। इन्होंने भी मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की है कि टीका लगवाएं। टीका लगाने से हमारी जान बचाई जा सकती है कि कैसे हम सुरक्षित होंगे तो परिवार सुरक्षित होगा, परिवार सुरक्षित होगा तो देश सुरक्षित होगा, इसलिए शरीर में टीका लगवाएं। आज परदेसीपुरा केंद्र पर लाला लाजपत राय स्कूल में मैंने खुद अपना टीकाकरण का लगवाया है। और चूँकि ये मेरा पुश्तैनी मोहल्ला है, इसलिए मैंने ये सोचा कि अपन भी जो है अपने पुश्तैनी मोहल्ले के ही अंदर अपना टीकाकरण करवाए। और आज मैं शहर के तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूँ, ख़ास तौर से मेरे समाज के टीकाकरण हर व्यक्ति को जो 18 प्लस से अधिक है उसको लगवाना है। एकमात्र उपाय कोरोना से बचने के लिए उसका जो कवच है वो टीका है। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैंने टीका लगवाया अपने नज़दीकी केंद्र पर जाके, उन तमाम लोग जो समाज के हैं और मैं शहर के उन तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि वो अपना टीकाकरण करवाए और वैक्सीन अवश्य लगवाए। लगाया है अपने आप को, आप लोग भी सब अपने आप को टीका लगाएं और अपने अपनों को सुरक्षित रखें और देश को भी सुरक्षित करें। आपको डर नहीं लगा? नहीं, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं लगा। सब टीका लगवाएं, अपने आप को टीका लगवाएं और सुरक्षित रखें, देश के लिए भी सुरक्षित करें देश को। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि मैंने अपने आप को सुरक्षित कर लिया है, अपने परिवार को, अपने देश को, अपने शहर को, अपने गांव को, मैंने सबको सुरक्षित कर लिया है ताकि इस ये महामारी से सभी लोग बचें। मैं चाहती हूँ कि सभी लोग टीका लगाएं और इस महामारी से अपने आप को, अपने देश को, अपने परिवार को और सभी को सुरक्षित करें, पूरे समाज को सुरक्षा करें। वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए ऐसे लोग आगे आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। परदेसीपुरा की पूर्व पार्षद महेंद्र बीपी बानो ने बेटी का लगवाया और लोगों से अपील की है, यह वह ज्यादा से ज्यादा टीका लगवाए। टीका लगवाने से वह सुरक्षित रहेंगे और उनका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा परदेसीपुरा उर्दू स्कूल वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे और शुभारंभ कर शहर काजी सैयद निसार अली को टीका लगवाया। विधायक ने खंडवा के लोगों से अपील किए हैं, कोरोना से बचाव के लिए कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान को सफल बनाएं और ज्यादा से ज्यादा टीका लगवाएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान के द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुफ्त में टीका लगाने के लिए यह अभियान शुरू किया है। यह अभियान 21 तारीख से शुरू होकर 30 जून तक चलेगा। इस बीच में ज्यादा से ज्यादा लोग टीकाकरण करवाएं। हमने देखा कि सारे विश्व में कोरोना महामारी ने अपना रोद रूप दिखाया, आज उसकी वैक्सीन निकल चुकी है और तमाम लोग आज वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक हैं, लेकिन फिर भी उसके प्रति और ज़्यादा जागरूकता से 100% वैक्सीनेशन हो ये सुनिश्चित करने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार करने जा रही है। और इसी कड़ी में शहर के उन क्षेत्रों में जहाँ पर वैक्सीनेशन के प्रति लोगों में रुचि नहीं है, उन क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर उन क्षेत्रों में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। और मैं पूरे शहरवासियों से अपील करता हूं
कि हम इस वैक्सीनेशन को अवश्य कराएं। अगर हम हमारे परिवार, हमारे समाज और हमारे शहर को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीनेशन कराना आवश्यक है।